हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड इजी लाइफ हैक्स। आज मैं आप लोगों के सामने सिंपल सा ट्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो लेडीज़ के लिए एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो पार्लर्स बंद हैं और स्टार्ट भी हुए हैं तो थोड़ा हेजिटेशन है जाने के लिए कि कैसे जाएँ, कहीं इन्फेक्शन लेके ना आ जाएँ। तो आज मैं आप लोगों को बनाने की तो कोशिश मैं बहुत दिनों से कर रही थी, पर मेरे को टाइम नहीं मिला, आलस कर गई मैं तो नहीं बना पाई मैं इसको वीडियो को। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी सेल्फ थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं, आप अपने आईब्रोज को किस तरह से शेप में रह सकते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। अगर आप आईब्रोज को नहीं वो लेना चाहते, आप हेडक कुछ भी कि भाई ख़राब हो जाएगी कुछ, तो आईब्रोज को भले रहने दीजिए, लेकिन आपको अपना फोर हेड है और अपर लिप है, चिन है, ये आप आराम से बिना किसी मेहनत के अच्छी तरह से कर लेंगे। कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सिंपल घरेलू तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना केवल एक धागे से ही किस तरह से कर सकते हैं। ये है, ये सिंपल धागा है जो स्विंग मशीन में काम आता है, वो उसको लेना है। आपके पास आईब्रो थ्रेडिंग का थ्रेड हो तो वो यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ, मैं इसी से करती हूँ। ये जो है इतना धागा ले लिया है, ये देख लीजिए आपके हाथ ईजीली चलें इतना, देखिए इसको फिर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो दूसरे हैं वहाँ पर इस तरह से देखिए ये इतना हो गया है, ये इसको नॉट लगा देनी है, ये दोनों सिरों को पकड़ के नॉट लगानी है, और नॉट लगाकर ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। और आपको फिर इसमें 1 2 3 4 जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बल दे दीजिए, इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। और ट्विस्ट करने के बाद आपको केवल ये हाथ चलाना है, ये देखिए इस तरह से, एक बार इसको मुंह खोलिए, एक बार इसका मुंह खोलिए, और सारा दिन भर मतलब जब भी टाइम मिले आपको तो इस तरह से करते रहिए। और फिर ये आपको आपके किस तरह से, ये पहले इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आपका हाथ चलने लग जाए अच्छा, तब फिर आप अपने फेस पर ट्राई कीजिए। ऐसा करने के बाद सबसे पहले अपने एक्स्ट्रा जो आपके बाल वगैरह आ रहे हैं उनको आप ऊपर से ऐसा लगा के कर लीजिए, चाहे क्लिप लगा के कर लीजिए, उनको हटा लीजिए। उसके बाद आपके जो फोर हेड है तो फोर हेड में ऐसे करना है आपको, जैसे इधर के बाल हैं तो ये वाला हाथ चलेगा, और इधर के हाथ हैं तो ये वाला हाथ चलेगा। आईब्रो से ऊपर ऊपर कर लीजिए आप इस तरह से, और ये चला जोर जल्दी जल्दी चलाइए, और ऊपर के बाल आपके साइड के बालों को बिल्कुल ऐसे चिपका लीजिए कि आपका फ़र्क नहीं पड़े, और ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अपर लिप्स बनाने के लिए आपको इस तरह से करने हैं, और फिर ये मेरे नहीं है ज़्यादा, लेकिन जिन लोगों के हैं तो वो इसका यूज़ करके धीरे धीरे करके सब बालों को कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। उसके बाद आप अपने आप चिन से, किसी के चिन पे ज़्यादा होते हैं चिन के बाल, इस तरह से यूं हाथ चला के जहाँ जहाँ ऐसे करके कर लीजिए। और उसके बाद मैं बताती हूँ आईब्रो को किस तरह से शेप में रखना है। आईब्रो मैं तो आईब्रो भी कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग आईब्रो पर डायरेक्ट ट्राई मत करना, क्योंकि आईब्रो का थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले फोर हेड पे, अपर लिप पे, चिन वगैरह पे, इस पर ट्राई कीजिए, और हाथ पैरों पर ट्राई करके देखिए पहले। अब आप आईब्रो को शेप देने के लिए, अगर आपका आप आईब्रो को शेप देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले ये फोर्सिव होती है, ये ट्वीज़र बोलते हैं, इसको दोनों साइडों में आईब्रो पेंसिल से, ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल से ये इस तरह से एक वो बना लीजिए लाइन, ये इस तरह की लाइन बन गई, ये देखिए ये ब्लैक वाली, और दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको ये बना लेनी है। और फिर आपको सिक्योर करने के लिए कौन सी किस तरह की आईब्रो रखनी है, उससे यहाँ से जितनी पतली है ये करके एक आउटलाइन टाइप की बना लीजिए आप दोनों तरफ, ये यूं करके, और फिर ये घुमाते हुए यहाँ ले जाइए। देखिए इस तरह से मेरी ये बन गई। अब मुझे ये आईब्रो यहाँ तक रखनी है, तो इसके नीचे जो भी जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे वो मैं उनको निकालने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादातर जब अभी तो आप एक्स्ट्रा ही इस तरह से निकाल लीजिए, और ज़्यादातर जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनके पास पार्लर का टाइम नहीं होता, और आईब्रोज 4-5 दिन बाद ही एक्स्ट्राज आने लग जाते हैं, तो उनको
4-5 दिन बाद ही इस तरह से ही इसका यूज़ करके आप अपने एक्स्ट्रास को हटाते जाओगे तो आपको आपकी जो आईब्रोज है ना कई दिनों तक वैसे की वैसे शेप रहेगी। जैसे ही आने लग जाएँ, जैसे ही हल्के हल्के आने लग जाए, मैं तो नीचे वाले भी कर लेती हूँ, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, लूज़ होती है स्किन, तो आपको नीचे वाले पार्ट्स के लिए बहुत सावधानी यूज़ करनी है। यहाँ जो आईब्रो के नीचे है तो वो उसको बड़ा उससे करना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से ये चलाना है आपको हाथ, ये जो शेप बनाई है उसके नीचे बिल्कुल मत जाइए आप, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हैं इधर हैं इनको ही करिए, केवल इनको। और एकाध बाल जो लग रहा है कि आपका शेप खराब करेगा तो आप उसको इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, एकाध रह जाता है और वो आपके इससे नहीं आ रहा है। इसी तरह से देखिए ये यूं करके ये नीचे चला लीजिए। मैं तो मेरे को तो चलाना आ गया है तो मैं अपना नीचे वाला पार्ट, ये जो आईब्रो के नीचे वाला पार्ट है उसका भी कर लेती हूँ। ये ऊपर का तो आराम से हो जाता है क्योंकि ऊपर की स्किन टाइट होती है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नीचे का होता है। तो इस तरह से आपको जैसे ही, पर आपको ये करना है कि जैसे ही आपके बाल आने लग जाएं, स्टार्ट होने लग जाएं ना, यहाँ से पहले स्टार्ट, तो वहीं से स्टार्ट कर दो उसको निकालना। जैसे 4-5 दिन बाद आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं कि भाई 4-5 दिन बाद आने लग गए हैं, 5-6 दिन बाद, तो उनको तुरंत निकाल दीजिए, तो फिर वो बढ़ेंगे नहीं, फिर आपके शेप में ही रहेगी। और आते ही, और फिर आप महीने भर भी नहीं जाओ तो भी चलता है, जब आपको टाइम मिले तब जा सकते हो, आप अपना अपना ये काम चला सकते हो। और काफ़ी मेरी, देखिए पूरे लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कुछ नहीं करवाया है, ये मैं अपने आप ही कर लिया है और मेरी आईब्रो काफ़ी अच्छी है, कुछ करने की ज़रूरत पड़े केवल एक्स्ट्राज निकाल लेती हूँ। और जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको शेप देने के लिए, आपको लग रहा है कि आपकी शेप ठीक नहीं है तो जाके पार्लर पर शेप करवाया ये, और जब शेप हो जाए तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आने लग जाए तो उनको हटा दीजिए। इस तरह से आप टीवी देखते हुए कुछ भी जब फ्री हो इस तरह से हाथ चलाते रहिए, अपना हाथ जैसे जितना जल्दी चलेगा उतने ज़्यादा आप अपने ये इस तरह से आप इसको निकालना आराम से निकल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।